आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आज रामनगर प्रखंड के चार घरवा गांव में युवा जदयू की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पटेल ने किया। वहीं संचालन मुकेश शर्मा ने किया। युवा जदयू के बगहा जिलाध्यक्ष नौशेर आलम के नेतृत्व में सभी प्रखंडों बैठक कर लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों के क्रियाकलापों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बिहार में विकास की गति को कायम रखने के लिए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने की अपील की गई। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा, गौनाहा प्रखंड अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इसराफिल, चंदन सिंह, प्रदेश महासचिव निवेदिता मिश्रा, पूर्वी चंपारण विधानसभा प्रभारी नंद किशोर राम ने बताया कि विकास और सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए 2020 फिर से नीतीश। जिला अध्यक्ष नौशेर आलम ने कहा कि आज बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी सड़क, पानी, गली, नाली तथा जल जीवन और हरियाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। मौके पर किशोरी देवी, सोनू ठाकुर, सुनील यादव, संतोष चौधरी, जितेंद्र शर्मा, करण यादव, गुड्डू यादव, अमर चौधरी, मनीष पांडे आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण बिहार से सागर कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। युवा जदयू की प्रदेश महासचिव हैं और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी ये चुनावी वर्ष है और हम लोग एक टारगेट के साथ निकले हैं कि हमारा जो भी 9 प्रखंड, एक नगर और 9 प्रखंड है, हर प्रखंड में हमको जाना है और युवा साथियों को हमें मजबूत करना है। साथ ही साथ अभी ये COVID-19 एक वैश्विक महामारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद के जरिए ही काम होगा। शायद जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगी उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है, इसीलिए अभी बस थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपना कर रहे हैं। युवा साथियों को मजबूत कर रहे हैं कि कैसे आने वाले दिन में चुनाव के लिए तत्पर होना है। बताने का काम हम सब कर रहे हैं और प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर पर हमारी कमेटी कैसे मजबूत हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। और माननीय नेता का रैली का कार्यक्रम कैसे सफल हो, इसके लिए हम लोग गांव-गांव और गली-गली में काम कर रहे हैं। हमारा जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो गांव की तरफ हो रहा है, शहर में नहीं हो रहा है। तो अब यही नारा है कि बगा युवा जदयू चला गाँव की ओर, और 2024 फिर नीतीश कुमार, और एक बार फिर नीतीश कुमार को वोट देकर आगे बढ़ाने का काम बिहार के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए हम सब लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा है। और जो लोग लुटाए बिहार को,